पांच दिवसीय दीपावली महोत्सव के आखिरी दिन दूज के अवसर पर इंदौर शहर की प्राचीन माँ हिंगलाज मंदिर पर बड़ा धार्मिक आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। मंदिर में बहुत ही सुंदर आकर्षक रंगोली सजाई गई थी, जिसमें मां जगदम्बा की तस्वीर विभिन्न रंगों से सरस सजी सवरी दिखाई दे रही थी कि जैसे साक्षात माता रानी दर्शन दे रही हों। गौरतलब है कि माता हिंगलाज का ये मंदिर इंदौर में काफी पुराना है। वैसे विश्व में स्थापित 52 शक्तिपीठों में माँ हिंगलाज का शक्तिपीठ पहला शक्तिपीठ कहलाता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहां माता सती का कपाल गिरा था। पहला शक्तिपीठ यहीं स्थापित हुआ। इसके बाद अन्य 52 स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। माँ हिंगलाज अनेक समाजों में कुलदेवी के रूप में भी पूजी जाती है। मंदिर के पुजारी मनोजगिरी गोस्वामी ने बताया कि यहाँ पूरे साल बाद अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दूज के मतलब यहाँ पे क्या छप्पन भोग वगैरह लगता है। आज मुझे हलवे का भोग लगेगा यहाँ पे, क्या 9 बजे होगी आरती। ये जो रंगोली की माता जी बनी है, ये क्या है, किसने बनी है? ये हमारे यहाँ ऐसे समाज की हैं, ये सुरेखा जी है, उनके वही बनी है। अच्छा, और क्या क्या आयोजन होते हैं मंदिर पे आपके यहाँ? यूँ तो बहुत नवरात्र में होते हैं दूज के आयोजन। क्या कुछ महीने की कोई फिक्स तिथि भी जहाँ कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह करते हैं कुछ लोग? मेरे की ये दूज का ही रेवा है। अमावस के बाद जो दूज आती है, मतलब कड़ी प्रसाद होती है यहाँ पे,